दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजे आयुर्वेदा में। देखो आज मैं एक नुस्खा लेके आया हूँ आपके लिए, एकदम ज़बरदस्त नुस्खा। बताने से पहले नुस्खा बता दूँ क्या है। नुस्खा ये है, जिन लोगों के धातु जाता है पेशाब में और धातु का पतलापन है, इस तरह की जिन लोगों को समस्या है, नपुंसकता की समस्या आ गई है, लिंग में तनाव नहीं रहा है, ढीलापन आ गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके लिए ये नुस्खा है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है आपको सुनो, ये वीडियो जितने लोग भी देखें, टाइम पता है कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं, 12:10, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, सब लोग, मेरा चैनल है, मैंने नया खोला है, उस पर मैं गाना गाया करूँगा, गाना, ठीक है, मतलब अच्छा लगता है गाना गाना, संगीत ही एक, मतलब यही एक कला है, बाकी सब विज्ञान है, सुना है मैंने, तो अच्छा लगता है, हम गाते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो वो मेरा चैनल, मैंने एक नया चैनल बनाया है, सीधी बात है, देखो सुनो, नया चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना और उसे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ज़रूर, जितने लोग भी देखें, सब लोग, बता रहा हूँ, बहुत ख़राब बात हो जाएगी चलो कोई बात नहीं, ख़राब नहीं हो जाएगी, कर लेना। अच्छा नुस्खा बताता हूँ, नुस्खा क्या है, नुस्खा ये है, देखो जिन लोगों को धातु का पतलापन है, धातु पेशाब के साथ निकल जाता है, बहुत पतला हो गया है, लिंग में ढीलापन आ गया है, इस तरह की जिनको समस्या है, उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ही कमाल का है, ज़बरदस्त नुस्खा है। करना क्या है आपको, कम से कम आप लेके आ जाओ 20 ग्राम इलायची के दाने निकालो, उनको पीस के, इलायची, हरी इलायची, छोटी इलायची के दाने निकाल के उनको पीस के, कूट के पीस के, और आप पाउडर बना के रख लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, असली हींग लेके आनी है, असली हींग कहीं भी मिल जाएगी, असली ना मिले थोड़ी बहुत नकली भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, असली हींग लेके आनी है आपको, मिलती नहीं है ना असली, इस वजह से नकली बोल देता हूँ, तो असली हींग लेके आनी है, 20 ग्राम वो लेके आ गए तो लगभग 5 ग्राम ये लेके आ जाओ असली हींग, ठीक है। हींग को लेके आके गाय के घी में या भैंस के घी में किसी में भी उसे तल लो, मतलब लाल कर लो, अब ये हो जाएगी शुद्ध, ठीक है, अब ये हो जाएगी शुद्ध। अब करना क्या है, सुबह शाम हींग लाके शुद्ध कर ली, लाल कर ली घी में डाल के, और पाउडर तो आपके पास बना रखा ही है, ठीक है, इलायची का। अब करना क्या है, आधा चम्मच पाउडर निकालो, इतना, ठीक है, आधा चम्मच पाउडर निकाल के रखो, और उसमें से जो हींग है, हींग में से लगभग एक चने के बराबर हींग, एक चने के बराबर, चने, चना, चने का दाना होता है, उतने उतनी बराबर बराबर दिया तो गया है, तीन रत्ती माने उतना ही हो जाएगा, एक चने के बराबर हो गया, तो एक चने के बराबर बस हींग लेनी है, उसमें मिक्स करनी है पाउडर में, जो आपने पाउडर इलायची का बनाया उसमें मिक्स करनी है, मिक्स करके, और उसे घी एक चम्मच और गिलास, एक गिलास दूध में घी मिक्स करो, किसी का हो, गाय का हो, भैंस का हो, वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भैंस का हो या गाय का हो, दूध को उसमें मिक्स करना है, घी को दूध में मिक्स करना है। अब दूध, घी मिक्स हुआ, दूध रखा है आपके पास, और ये दवाई रखी है, ठीक है, इलायची और हींग भुनी हुई, इसको खाना है, ऊपर से दूध पी लेना है, ठीक है, फिनिश। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, सुबह शाम खाली पेट, मतलब खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले इसे खा सकते हो, खाना खाने के बाद भी ले सकते हो, खाना खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हो, खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसे यूज़ करने से लगभग 10 से 15 दिन यूज़ करोगे तो आप कहोगे, अजय भाई यार तुमने क्या ज़बरदस्त नुस्खा बताया था, मेरी तो ज़िंदगी संवर गई, कहीं पे लाभ नहीं मिला, इस नुस्खे से लाभ मिल गया। और जिन लोगों को मेरा किट मंगाना है वो किट मंगा ले, ऑयल मंगाना है, तिला मंगा ले, रिंग मंगा ले, जो भी मंगाना है मंगा लिए, मेरे पास रखे हुए हैं यार, मंगा लो, अब बात ख़त्म करो, झंझट दूर करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नया चैनल है, ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। हाँ, उस पे चैनल पे पता है क्या, मैं कहीं जाऊँगा वहाँ का भी दिखाऊँगा वीडियो,
कहीं जाया करूँगा, वीडियो शूट करने जाया करूँगा, वहाँ का भी दिखाया करूँगा। तो इसी लिए आपको करना है, मतलब कर लो यार, ठीक है। अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का।